जी सी का क्या चीज़ हमें यहाँ पे शो होगी, लाइन नहीं आ रही। लास्ट 15 मिनट्स की हमने देख लेते हैं, ये चेक करें, 1 आवर की चेक कर लेते हैं। ये देखें कि ग्राफ जो था हमारा लास्ट 15 मिनट 1 घंटे के अंदर कहाँ से कहाँ निकला है। ये अभी 0.4367 के ऊपर आया था और फिर ये यहाँ से उठा, यहाँ से गया और ये 0.4757 के ऊपर यहाँ पे रुका है। ठीक है, जी सी की बात कर रहा हूँ। और ये BNB वॉल्यूम है, ये आपने ज़रूर याद रखना, माइंड में रखना, इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। अच्छा, ये लास्ट 1 आवर की बात है, उसका ग्राफ है। अगर हम लास्ट 4 आवर की बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 0.4757 जो है ये हमारा हाईएस्ट था। ठीक है, हाईएस्ट पे गया है और उसके बाद हमारे पास जो है वो 0.4198 के हमारा कम से कम था, लोवेस्ट था। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ ही आप आगे चेक करें कि हमारे पास 1 दिन का, हम ग्राफ चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 1 दिन का ग्राफ क्या रहा है। तो ये आप यहाँ पे चेक करें कि कितना इसका ग्राफ हाई गया है। आप यहाँ पे खुद अंदाज़ा करें कि ये चीज़ कितनी आपको प्रॉफिट के अंदर लेके गई है। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था 0.2588 के ऊपर और उन्होंने सेल किया है 0.4757 के ऊपर, तो उनको कितना प्रॉफिट हुआ है ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यही ही एल्गोरिथम है, यही आपने चीज़ें नोट करनी है, यही आपने देखना है और आपको जजमेंट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारा ग्राफ अप जाएगा, डाउन जाएगा, या मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सो अभी जो इसकी लाइन चल रही है वो आपकी चल रही है 0.4617 के ऊपर। तो आई थिंक आपको बिल्कुल हाफ के ऊपर जो है ये आपको प्रॉफिट यहाँ पे देगा। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट की हुई है तो आप वहाँ पे 0.4757 के ऊपर सेल करते तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाना था। अभी भी आप अगर यहाँ पे सेल कर देते हैं, अगर आपने यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट की हुई है, आप इस ग्राफ के ऊपर सेल करते हैं, आपने इन्वेस्ट किया है 0.2588 के ऊपर, ठीक है, और आप सेल वहाँ पे ऊपर कर रहे हैं अभी जो इस वक्त करंट चल रहा है, तो आपको यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा। ये 24 आवर के अंदर जो हाई था और लो था, दोनों रेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कम से कम जो था और हाई जो था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एवरेज की बात करें, एवरेज में आगे ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा, मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसमें 1 वीक भी आ जाता है, 1 मिनट भी आता है, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 2 आवर, 6 आवर, 8 आवर, 12 आवर, 3 डेज, 1 वीक एंड 1 मंथ, ये सारे ग्राफ ही आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखते हैं, पहले आपने 1 डे का देखा है, अभी आप अगर 3 डे का देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, आपका लोएस्ट कहाँ पे है और आपका हाई कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद 3 डेज के बाद आप 1 वीक का चेक कर सकते हैं, तो 1 वीक का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका लोएस्ट कहाँ पे है और आपका हाईएस्ट कहाँ पे है। फर्दर आप 1 मंथ पे ऊपर चले जाएं तो 1 मंथ की भी आप यहाँ पे चीज़ें नोट कर सकते हैं कि 1 मंथ आपका कहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें आपने देखनी है, एक